हेलो फ्रेंड्स, जय भारत। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है जो इंटरनेट और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड अदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करे। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो जो भी मार्केटिंग इंटरनेट से हो रहा है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग लोग क्यों प्रिफर करते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में हम जानेंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब कि जो हम अभी तक जो मार्केटिंग फॉलो कर रहे थे, जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते थे, जैसे कि हम लोग टीवी में ऐड देते, जैसे कि हम लोग रेडियो में ऐड देते थे, और फिर हम लोग पैम्पलेट रोड रोड जाके हम लोग कर देते थे सबको, राइट। और फिर हम लोग जो पुल के नीचे बड़े बड़े बैनर्स की जगह होते हैं, वहाँ पर हम बैनर अपने अपने बिजनेस का बैनर लगा देते। फिर पुल के ऊपर जो बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पे भी हम लोग जो बैनर लगाते हैं उसको हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में क्यों स्वाइप होना चाहिए, राइट। डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, ओके, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं, राइट। आई एम शेयरिंग अ स्लाइड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंस आपको बताया, राइट। तो यही रीजन है कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज कॉस्टली, जैसे कि मैंने बताया। सपोज कि आपने अगर आपके स्टूडियो या फिर आपका बिजनेस, राइट, अगर उसका बैनर आपने सपोज कि भाई कोई भी जगह पर लगा रहे तो उसका मंथली कॉस्ट कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 50K रुपीज। 50K मतलब 50,000 रुपये उसका मंथली कॉस्ट होता है। और वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको मार्केटिंग कहाँ करना है? इंटरनेट पे करना है, राइट। तो इंटरनेट पे कैसा है कि वहाँ पे बहुत ही लो कॉस्ट में आपका मार्केटिंग हो जाता है, राइट। हम जो डिजिटल मार्केटिंग के चैनल से उसके बारे में मतलब कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले अभी इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो सेकंड है नॉट इजीली मेजरेबल, मतलब कहते हैं सपोज कि आपने पैम्पलेट बांटे, राइट, ओके, लेकिन उसमें से कितने लोगों ने एक्शन ली, कितने लोगों ने आपके ब्रांड के बारे में रीड करा, कितने लोगों ने मतलब कि आपके आपकी ब्रांड है, कितने लोगों को समझ में आया कि ब्रांड कैसा वर्क कर रही है, क्या है, राइट, वो आप मेजर नहीं कर सकते, राइट। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सपोज कि आपने कोई भी प्लेटफॉर्म यानी कि गूगल गूगल एड्स में आपने एड्स करी, तो क्या होगा कि वहां पे आपको बताया सपोज कि भाई कितने क्लिक्स आई, कौन सी कंट्री से आई, कौन सी स्टेट से आई, राइट, उन्होंने परचेज करा कि नहीं, राइट, उन्होंने आपको इंक्वायरी करी कि नहीं, वो सारा डेटा आप डिजिटल मार्केटिंग में इजिली मेजरेबल कर सकते हो। मतलब कि आपके पास सारा डेटा पड़ा हुआ है, राइट, कि भाई मुझे इस प्लेटफॉर्म से मुझे कितना फायदा हो रहा है, राइट। तो ये एक बेनिफिट्स है, राइट। और सेकंड बेनिफिट के हार्डर टू टारगेट ऑडियंस। पहले तो हम बात करते हैं कि ऑडियंस क्या होता है। ऑडियंस मतलब अ कलेक्शन ऑफ पीपल जो आपके प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, राइट, उससे जरूरत है। सपोज कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सपोज कि चलो किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है, राइट, ओके, और आपने क्या करा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बेस पे एक बड़ा सा बैनर बना दिया, और सूरत में सपोज कि भाई या फिर किसी और सिटी में आपने कहीं भी बैनर लगवा दिया, राइट। जैसे कोई अब कोई कंपनी उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो उन्होंने क्या करा कि सिटी में 4-5 बैनर लगवा दिए, राइट। तो बैनर को सबको दिखने वाला है ना, सपोज बैनर बैनर को सबको दिखने वाला है, राइट। तो उसमें से जिन जिन लोगों को इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है वो लोग आप फिल्टर नहीं कर सकते, बैनर सबको दिख रहा है। सपोज कि भाई जो जिसे सपोज कि इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करना है, राइट, जिसे करवाना है उसको भी दिखेगा, राइट। एग्जेक्ट जो टारगेट ऑडियंस है, राइट, जो बोलते हैं लेजर टारगेट, राइट, मतलब कि सपोज कि जिन लोगों को इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है उनको तो उनको दिखने वाला ही है, राइट। लेकिन मतलब कि आप एक फनल के बेस पे जो ऑडियंस है उसको आप ट्रैक नहीं कर पाते हो, राइट, ओके। फिर डिजिटल मार्केट, डिजिटल मार्केट में क्या होता है कि आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सपोज कि भाई आपको ऐसा मतलब कि ऐसे आपको
क्लाइंट या कस्टमर फाइंड करना है कि जो लोगों को इंटरनेट डिजाइनिंग करना है, तो वहां पे क्या आता है, ऑडियंस का सेक्शन आता है। वहां पे आप इंटरेस्ट बिहेवियर के बेस पे आप क्या कर सकते हो, आपका टारगेट ऑडियंस आप उसको फिल्टर कर सकते हो और आपकी एड सिर्फ उन्हीं को ही दिखने वाली है, राइट। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बाद बारे में बात करेंगे, तो क्या है स्टैटिक एड्स, नॉन चेंजेबल। ओके, स्टैटिक एड्स क्या होता है? स्टैटिक एड्स मतलब कि सपोज कि मैंने एक बैनर बना दिया, राइट, सपोज कि मुझे ए बैनर से अपना पूरा मार्केटिंग करना है। सपोज कि मैंने साइकिल वाले जो मार्केटिंग करते हैं, राइट, साइकिल लेके, तो मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया और एक बैनर बनाया और फिर मैंने मार्केटिंग चालू कर दिया। फिर बाद में पता चला कि जो मैंने प्राइस रखी है, सपोज कि मेरे बैनर में जो मैंने प्राइस रखी है वो हाईलाइट नहीं हो रही है और मुझे वो प्राइस चेंज करने, मुझे आफ्टर 2 to 3 days के बाद मुझे लगा कि ये जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो क्या है कि आपने तो बैनर प्रिंट करवा दिए, अब उसको आप इरेज भी नहीं कर सकते, उसको भी एडिट भी नहीं कर सकते, राइट। तो स्टैटिक एड्स भी एक बार बना दिया फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, डायनेमिक एड्स होती है, उसको आप एडिट कर सकते हो। कैसे? जैसे सपोज कि मैंने एक फेसबुक एड्स चलाई, राइट, उसमें मैंने एक बैनर रखा था कि आप 69,000 rupees में आप गोल्ड रिंग बाई कर सकते हो, राइट, विदाउट एन एडिशनल कोर्स, राइट। और फिर मैंने ऐड चलाया, फिर मुझे पता चला कि भाई 69,000 rupees है वो बहुत ज़्यादा है, राइट, अदर मेरे कंप्यूटर से वो 60 में दे रहे हैं। तो सपोज कि मुझे प्राइस कम करना है तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने फ़ोटो अपलोड किया था उसके मेरे पास, सपोज कि भाई कोई PhD फाइल फोटोशॉप में करा तो मेरे पास PhD फाइल पड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, PhD फाइल एडिट कर दूंगा और फिर से एड्स चेंज कर दूंगा, तो हो गया मेरा सोल्यूशन, राइट। ओके, इसमें तो क्या होगा, आपने जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होगा कि आपने जो एड्स रखे हुई आपको चलानी पड़ेगी। ओके, राइट, तो ये बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग का। और लास्ट, ओके, मोर लेबर कॉस्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि सपोज कि पैम्पलेट आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, राइट, उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि पर्सन की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी कॉस्ट आपको बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, राइट, बहुत लो कॉस्ट होता है, क्योंकि आप सपोज कि भाई या डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आप सपोज कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा तो आप खुद भी कर सकते हो, राइट। प्लस दूसरा कि डिजिटल मार्केटिंग में सपोज कि आपको एक ही पर्सन को मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट भी आप इजिली वो हैंडल कर सकते, तो आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयज की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। तो ये सब बेनिफिट्स एक्चुअली है डिजिटल मार्केटिंग के, राइट। और नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है, राइट। तो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले मैंने राइट डाउन किया SEO, SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। SEO क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। SEO मतलब कि सपोज कि आप गूगल पे आपकी वेबसाइट है, राइट, वेबसाइट पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, तो उसके सपोज कि मैंने सर्च किया कि बेस्ट वेबिनार सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या होगा कि आपको रिजल्ट दिखेंगे, 10 रिजल्ट दिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 10 रिजल्ट दिखेंगे, फिर नीचे 10 पेज होंगे, राइट। तो आप जो रिजल्ट आपको देख रहे हो उसमें से आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पे आप क्लिक करने वाले हैं, राइट, उसके बाद आप क्लिक नहीं करने। तो सपोज कि भाई मेरे पास वेबिनार का सॉफ्टवेयर है, मैंने खुद ने बनाया और मुझे सेल करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति सर्च करेगा वेबिनार सॉफ्टवेयर, ओके, तो मुझे वहाँ पर रैंक आना पड़ेगा और रैंक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SEO करना पड़ेगा, राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मुझे करना पड़ेगा, राइट। SEO में 3 पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आते हैं। टेक्निकल SEO होता है, ऑन पेज SEO होता है और ऑफ पेज SEO होता है। पहले बात करते हैं टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO में क्या होता है कि जो आपकी साइट है उसमें सपोज कि भाई वर्डप्रेस यूज करा है, मतलब कि कोई भी फ्रेमवर्क यूज करा है, राइट, तो उसमें जो भी टेक्निकल इश्यूज है उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, लाइक वेबसाइट लोडिंग स्पीड हो गई, ओके, फिर वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, राइट, वेबसाइट आर्किटेक्चर प्रॉपर है कि नहीं, वो सारे फंडामेंट्स उसमें आते हैं, राइट। उसके बाद आता है ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO का मीनिंग ये होता है कि आप
की वेबसाइट है, सपोज कि उसमें वेबसाइट सॉरी वेबिनार सॉफ्टवेयर का एक एक पेज है, तो वेबिनार सॉफ्टवेयर पेज है, तो आपको गूगल को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई वेबिनार सॉफ्टवेयर का पेज है, तो उसमें आपको कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, राइट, वीडियोस ऐड करने पड़ेंगे, इमेजेस ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो उसके बाद क्या होगा कि गूगल वो जो पेज है उसको जान पाएगा कि भाई ये पेज किसके बारे में है, राइट। फिर आएगा ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ है, उसमें क्या आता है कि आपको अपने रेपुटेशन बढ़ाना है, आपको अपना रेपो बढ़ाना है, राइट। अपना रेपो बढ़ाना है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपको बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जानने चाहिए, राइट। तो वेबसाइट को जानेंगे, वेबसाइट जानेंगे कैसे, सब कुछ ओके। तो वेबसाइट को जानने के लिए क्या होता है कि जितनी ज़्यादा आपकी लिंक्स दूसरी और वेबसाइट में है, राइट, जितनी ज़्यादा लिंक्स अलग अलग दूसरी और वेबसाइट में है, ओके, उसके बेस पे आपका रेपो बनता है, मतलब आपके रेपुटेशन बनती है, राइट। सपोज कि भाई मेरा वेबसाइट का नाम है webinarsoft.com, तो मुझे लिंक्स मिल रहे हैं, सपोज कि webfops.com से मिल रही है, राइट, और सपोज कि भाई दूसरी और साइट से मिल रही है, राइट, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो क्या होगा कि मेरा रेपो बढ़ेगा, राइट। तो क्या होगा कि मैं रैंक में आऊँगा, राइट, ओके। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, राइट, ओके। और अभी सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में SEO की ज़्यादा डिमांड है, राइट, ओके। SEO कैंडिडेट बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट। तो आप SEO है वो भी एज ए करियर आप चूज कर सकते हैं, राइट। बचिए सॉरी नेक्स्ट आता है SEM, सर्च इंजिन मार्केटिंग, उसको पे पर क्लिक भी बोलते हैं, ओके। सर्च इंजिन मार्केटिंग का मीनिंग ऐसा होता है, राइट, कि आप पेड मार्केटिंग करवाते हो, जो SEO था वो फ्री मार्केटिंग था, उसमें सिर्फ आपको मेहनत करनी है, मतलब कि आपको टाइम देना है, आपको अपनी साइट गूगल के जो अल्गोरिदम्स है, राइट, ओके, उसके बेस पे आपको अपनी साइट ऑप्टिमाइज करनी है, ओके। उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट, ओके। और SEM है जो सर्च इंजन मार्केटिंग, उसको बोलते हैं पेड रिजल्ट। उसमें क्या होता है, आपको एक गूगल एड्स करके प्लेटफॉर्म आता है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको उसमें आपको एड चलाना है, एड्स, ओके। उसमें आपको कैंपेन क्रिएट करना होता है, और फिर क्या होगा, सपोज कि भाई मेरा कीवर्ड है वेबिनार सॉफ्टवेयर, मुझे उस पर रैंक करना है, मुझे मेरा सॉफ्टवेयर सेल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एड्स चलाने हैं, तो और फिर गूगल को मुझे 2,000 गूगल का है, राइट, वो मुझे देना है, राइट, और फिर मेरी एड्स फर्स्ट पे आएगी, ऐसे एड्स लिख के आएगी मेरी एड फर्स्ट वेबिनार सॉफ्टवेयर, बाकी जो SEO से रिजल्ट आ रहे थे वो नीचे चले जाएंगे, राइट। तो उसको बोलते हैं सर्च इंजिन मार्केटिंग, ओके। द नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। अभी आप तो आप सबको तो पता है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट, सॉरी सोशल मीडिया, राइट, ओके। मार्केटिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, सोशल मीडिया के बारे में बताऊंगा। सोशल मीडिया मतलब जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, लिंक्डइन यूज करते हो, पिंटरेस्ट, ट्विटर, यूट्यूब, वो सब सोशल मीडिया में आता है। तो मतलब सोशल मीडिया से मार्केटिंग करना, मतलब फेसबुक से मार्केटिंग करना, पिंटरेस्ट से मार्केटिंग करना, इंस्टाग्राम से मार्केटिंग करना, राइट, यूट्यूब से मार्केटिंग करना आपकी, ओके, और फिर लिंक्डइन से मार्केटिंग करना, उसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी दो पार्ट्स आते हैं, एक ऑर्गेनिक आता है, एक पेड आता है, राइट। ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है, हम फ्री में कर सकते हैं, राइट, जैसे हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो फ्री में कर रहे हैं, सब लोग पोस्ट करते रहे, सपोज कि भाई कोई अभी तो सपोज कि भाई कोई सेल कर रहा है सैनिटाइजर, तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट फेसबुक अपने अकाउंट में पोस्ट कर देगा, राइट। तो वो एक टाइप का मार्केटिंग हुआ, लेकिन वो प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुआ, राइट। अगर आपको प्रॉपर मार्केटिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, राइट, ओके। फेसबुक पेज पेज बना के फिर उसमें आप सपोज कि आपको मार्केटिंग करना है तो आपको फेसबुक में एड्स चलाना पड़ेगा, राइट, ओके। इंस्टाग्राम में भी सेम सिनारियो है, मतलब कि सब सोशल मीडिया चैनल्स में सेम सिनारियो है, एक आप ऑर्गेनिक कर सकते हो या फिर पेड कर सकते हो, राइट। तो ये होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, राइट। और फिर उसके बाद में आता है ईमेल मार्केटिंग, राइट। आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई जस्ट जीमेल ओपन करना है और जितने लोगों का आपके पास मेल आईडी है, राइट, उसको सिर्फ मेल करना है, उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग, लेकिन नहीं, उसको ईमेल मार्केटिंग नहीं बोलते, राइट। ईमेल मार्केटिंग एक प्रोफेशनल वे से होता है, राइट, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उसको एक प्रोफेशनल बिजनेस में लाते हैं,
उससे मेल किए जाते हैं और उससे फनल भी बने जाते हैं। फनल के बेस पे ईमेल मार्केटिंग होता है, उसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में करना पड़ता है, राइट। ओके, फिर आता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, राइट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, राइट। ओके, जो कंपनी की ऑनलाइन गुडविल है, ऑनलाइन रेपुटेशन, उसको मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। सपोज कि भाई आपने आपके बिजनेस है, ओके, उसने उसके बारे में फेसबुक ने कोई किसी ने एक वीडियो डाला है कि भाई इस सपोज कि वेबिनार सॉफ्टवेयर है, ओके, उसको आप बाय मत करना, राइट। वेबिनार सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही मतलब बकवास सॉफ्टवेयर है, राइट। ओके, और आपको पता है कि आपका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, राइट, उसमें क्या क्या इश्यूज है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज कि भाई उसने भी वीडियो रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट, और फिर जो भी इश्यू है आपको सोल्व कर सकते, राइट। तो क्या है कि कंपनी की रेपुटेशन बनी रहे, राइट। ओके, तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, राइट। उसके लिए भी जॉब्स होते हैं, राइट, उसमें भी आप जा सकते हैं, राइट। इसमें से कोई भी एक प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हो, उसमें आगे आप बढ़ सकते हैं, राइट। फिर एक है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल मीनिंग हम करें तो उसके में ऐसा होता है कि जैसे नहीं आते अभी ऑफलाइन में ब्रोकर आते हैं, राइट, बीच में उनका कमीशन होता है, वैसे अफिलिएट मार्केट में कैसा होता है कि सपोज कि भाई मेरा एक प्रोडक्ट है, सपोज कि भाई वेबिनार सॉफ्टवेयर है, तो मुझे उसको सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो जो लोग मतलब कि मेरा सॉफ्टवेयर सेल्स करते हैं, राइट, सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं, उनको मैं कम्युनिकेट करूंगा और उनको बोलूंगा कि मैं आपको 20% कमीशन दूंगा जो मेरी प्राइस है उसमें से, और आप मुझे सेल्स लाके दो, तो उसको बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, राइट। फिर होता है कंटेंट मार्केटिंग, राइट। कंटेंट मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। कंटेंट मार्केटिंग का मीनिंग ये होता है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जो सर्विस है और अपनी जो ब्रांड है, उसको आप कंटेंट के थ्रू मतलब कि ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट या फिर आर्टिकल के थ्रू मार्केटिंग करवाते हैं, उसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। और फिर नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टॉप ट्रेंडिंग में जो भी मार्केटिंग चल रहा है वो है वीडियो मार्केटिंग, मतलब कि वीडियो के बेस पे आप मार्केटिंग करेंगे, राइट। ओके, मतलब सपोज कि भाई अपनी प्रोडक्ट है, आपकी ब्रांड है, राइट, आपका वो बिजनेस है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका एक वीडियो प्रॉपर बना के आप उसका मार्केटिंग कर सकते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में, राइट, इंस्टाग्राम में। ओके, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म उससे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग बारे में बेसिक नॉलेज आ गया होगा, राइट, कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग यूज करना सही है, राइट, अभी के सिनेरियो में। ओके, तो अभी मेन बात करते हैं, राइट, करियर के बारे में, राइट, कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर ग्रोथ कितना कितना करियर ग्रोथ है, राइट। तो अभी आप प्रैक्टिकली सोचो, राइट, सब लोग आपने देखा होगा, सब लोग अपने बिजनेस को डिजिटल की तरफ ले जा रहे हैं, राइट, सब लोग को बिजनेस ऑनलाइन ले जाना है, राइट, अभी के सिनेरियो में। तो क्या एक डिजिटल मार्केटिंग जो डिमांड है, राइट, वो बढ़ती रहने वाली, राइट, वो कभी कम नहीं होगा, राइट। तो अगर आपको एज ए करियर डिजिटल मार्केटिंग चूज करना है तो आपको चूज कर सकते हो, राइट। उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, जैसे मैंने बोला SEO है, सोशल मीडिया, सॉरी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फिर पे पर क्लिक मतलब कि सर्च इंजन मार्केटिंग है, राइट। ओके, फिर अफिलिएट मार्केटिंग है। वैसे आप जो कंपोनेंट्स है उसमें से कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं, राइट। ओके, और आप आगे आपको जो भी मतलब कि फीचर्स है उसका फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच।